नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है। वहीं पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जल्द ही जारी होने वाली है, जिसके तहत पंचायत चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी सामने आ जाएगी। इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक और बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके तहत आयोग ने मंगलवार से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाए जाने की बात कही है, क्योंकि मंगलवार को ही पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने वाली है, जिसकी जानकारी नीतीश कैबिनेट की बैठक में साझा कर दी गई थी। जानकारों की माने तो अधिसूचना जारी होने के साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, जो कि संबंधित जिले के अंतिम चरण के विधिवत रूप से रिजल्ट की घोषणा होने तक लागू रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को लेकर एक व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रत्याशियों से लेकर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के साथ कर्मियों के आचरण की जानकारी दी गई। पंचायती राज संस्थाओं, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी खर्च पर समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से किसी प्रकार के विज्ञापन का प्रकाशन नहीं कराया जाएगा। यानी कि एक बात तो साफ है कि इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मॉडल कोड का पालन करना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, मॉडल कोड लागू होने के बाद पंचायत जिला निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत द्वारा मनोनीत उप निर्वाचन पदाधिकारी के स्थानांतरण पर रोक पूरी तरीके से लगा दी जाएगी। साथ ही निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी रोक लग जाएगी। इसके अलावा निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले योग्य पदाधिकारी, कर्मचारी जिसमें शिक्षक भी शामिल होंगे, उनके स्थानांतरण और पदस्थापना पर रोक लगा दी जाएगी। मेडिकल और पारामेडिकल और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े पदाधिकारी और कर्मचारियों के पदस्थापना और स्थानांतरण को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। इस दौरान पंचायत क्षेत्रों में किसी भी तरह के व्यवसाय के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायत चुनाव दलीय चुनाव नहीं है, ऐसे में एक और बात साफ है कि पंचायत चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं होने वाली है, ना ही राजनीतिक दल के किसी भी चिन्ह का इस्तेमाल करना है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रियों के सहित किसी भी व्यक्ति की तरफ से चुनाव कार्य और चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहन के इस्तेमाल पर भुगतान के आधार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अपवाद स्वरूप सरकारी वाहन का उपयोग सरकारी काम के लिए किया जा सकता है। किसी भी हाल में सरकारी काम के साथ चुनाव के काम को नहीं जोड़ा जा सकेगा। हालांकि इस दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ और राज्य के प्रमुख पथों पर काम करवाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत पहले से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, यानी कि निर्माण कार्य पहले की तरह ही चलता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव में 11 चरणों में वोट डाले जाएंगे। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है। 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, इसके बाद 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। कमोबेश राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि परामर्शी समिति के गठन के समय अवधि के समापन से पहले पंचायत चुनाव का आयोजन करवा लिया जाए। हालांकि चुनाव का आयोजन बहुत पहले ही हो जाता, मगर पहले ईवीएम के कारण फंसे मामले और फिर कोरोना की दूसरी लहर के कारण पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब जाकर कैबिनेट की बैठक में हुई घोषणा के बाद उम्मीद यही जागी है कि चुनाव का आयोजन समय पर हो जाएगा। हालांकि इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कोरोना की संभावित तीसरी लहर और बिहार में उत्पन्न हुई बाढ़ की परिस्थिति के रूप में दो बड़ी चुनौती मौजूद है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि चुनाव आयोग इन सभी चुनौतियों को पार कर चुनाव का आयोजन समय पर करवा पाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।